फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन और ये भी सीखेंगे प्रेपोजिशंस होती क्या है, कितनी प्रेपोजिशन है अंग्रेजी में, बट ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड दैट इज विद, WITH, विद। विद का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर हु थिंक दैट द हिंदी ऑफ विद इज साथ में। यस, इसका मतलब साथ में ही होता है, बट इसके यूजेस कई तरह से होते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बट उससे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करिए प्लीज़, क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं वहीं पढ़ाता हूँ। इंद्रपुरी में भी नया बैच स्टार्ट होने वाला है और एमपी नगर में भी, 29 से 6 to 7 स्टार्ट होगा एमपी नगर में, और वी आर गोना स्टार्ट न्यू बैच एट इंद्रपुरी एज वेल, सो यू कैन टेक फ्री 3 डेमो क्लासेस। चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बड़ा अच्छा वीडियो है और आपको इससे विद प्रेपोजिशन सीखने को मिलेगी। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू यूज विद इन इंग्लिश ग्रामर। उससे पहले एक चीज है, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में बताना है कि और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। और फेसबुक से समीर मीना नाम से आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम पे समीर सर से है, और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है इम्प्रेसिव इंग्लिश समीर सर। तो जो पहला यूज़ है वो है विद का, used to indicate being together or being involved। दोस्तों, ज़्यादातर हम लोगों को लगता है कि with का मतलब होता है साथ में, और हर जगह हम ऐसे ही मतलब निकाल के इंग्लिश की ग्रामर को गलत सीख लेते हैं। साथ में सिर्फ एक ही मतलब होता है with का, जैसे कि जो पहला यूज़ है वो साथ वाला ही है। जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, किसी चीज़ के साथ हो, तो वहाँ with आता है। जैसे कि आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच विद अ ड्रिंक, मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया ड्रिंक के साथ। दूसरा एग्जांपल, ही वॉज विद हिज फ्रेंड व्हेन आई सॉ हिम, वो अपने दोस्त के साथ था, वो दोनों साथ साथ थे जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ ये जो विद का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है बीइंग टुगेदर और बीइंग इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज़ बीन वॉकिंग विद हर सिस्टर एट द नेल शॉप, वो अपनी सिस्टर के साथ काम कर रही है बहुत दिनों से नेल शॉप पर। नेक्स्ट एग्जांपल, द मैनेजर विल बी विद यू शॉर्टली, मैनेजर जल्द ही आपके साथ होंगे, आप चिंता ना करें, मैनेजर जल्द ही आपके साथ होंगे। तो ये था वो पहला यूज़ जिसमें विद का यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ के साथ होते हो या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। अगला यूज़ है हैविंग, used to indicate having, किसी चीज़ का होना। अगर आप में कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, किसी चीज़ का नॉलेज है, तो आप वहाँ पर भी किसका यूज़ करते हो विद का। जैसे कि I met a guy with green eyes, मैं एक लड़के से मिला जिसकी आँखें ग्रीन थी, हरी आँखें थी उसकी। अब देखिए, अगर आप साथ मनाएंगे इसको, विद का मतलब साथ निकालेंगे, तो आप इसकी प्रॉपर हिंदी नहीं निकाल पाएंगे। I met a guy with green eyes, मैंने भूरी आंखों के साथ एक लड़के को देखा, ग्रीन आंखों के साथ एक लड़के को देखा, गलत हिंदी निकलेगी। इसीलिए यहाँ विद यूज़ हो रहा है क्योंकि लड़के के पास आंखें हैं, कैसी, ग्रीन, तो वहाँ विद आएगा। नेक्स्ट इज, वर यू द वन टॉकिंग विद एन एक्सेंट, क्या तुम वही हो जो मुझे एक्सेंट के साथ बात कर, मुझसे वो अच्छे से एक्सेंट से बात कर रहा था, वही थे क्या तुम? हाँ वही। So I was the one talking with an accent, मैं एक्सेंट में बात कर रहा था, वही हूँ। तो मेरे पास क्या क्वालिटी थी? एक्सेंट थी, तो मैंने इसीलिए विद लगाया। अगला यूज़, पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा खुश हो। दिस इज़ अ फैक्ट, पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी, अब देखिए विद आ रहा है मतलब हैविंग, मतलब पास में उनकी कोई चीज़ है, मनी है, इसलिए विद लगा रहा है। तो ये था वो दूसरा यूज़। अगला यूज़ है यूजिंग, यूज़ टू इंडिकेट यूजिंग। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, अगर आप किसी काम को किसी चीज़ की मदद से करते हो तो वहाँ पर बाय नहीं आता है, वहाँ पर हमें विद ही यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, भाई आपने एक शब्द सुना होगा जिससे बोला जाता है वाई, बी बाय वाई, कि भाई किसी चीज़ के द्वारा कोई काम हो तो वहाँ बाय आता है। नहीं, ये गलत है दोस्तों, अगर कोई काम किसी चीज़ के मदद से आप कर रहे हो तो वहाँ पर विद आता है, ना कि वाई। जैसे कि आई रोट अ लेटर विद द पेन यू गेव मी,
मैंने उस पेन से लेटर लिखा था जो पेन आपने मुझे दी थी। अब देखिए यहाँ पर विद आ रहा है क्योंकि आपने ये जो काम किया है वो एक चीज़ की मदद से किया है। अगर आप बोलोगे मैंने हाथों से लेटर लिखा तो आई रोट अ लेटर बाय माई हैंड। अब अगर आप कोई काम अपने खुद की बॉडी पार्ट से करोगे तो वहाँ बाय आएगा। द्वारा द्वारा करते रहोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे सही ग्रामर क्या होती है। अगला एग्जाम्पल, दिस इज द सोप दैट आई मेड विद राइस एंड बार्ले। मैंने ये वो सोप है जिसको मैंने किससे बनाया है, राइस से बनाया है और बार्ले से बनाया है। यही तो देखिए यहाँ विद लगा है क्योंकि हमने जो सोप है उसको राइस से बनाया है और बार्ले से बनाया है, इसीलिए हमने विद लगा है। अगला एग्जाम्पल, ही कट माई हेयर विद हिज गोल्डन सीजर्स। उसने मेरे बाल कैसे काटे, गोल्डन सीजर से, सोने की कोई थी कैंची उससे काटे। अब देखिए विद आ रहा है तो क्या मैं साथ में बोल दूँ यहाँ पर, नहीं। यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है कि जो बाल काटे हैं वो कैंची की मदद से काटे हैं, इसलिए विद आ रहा है। अगला यूज़ दोस्तों, फीलिंग, यूज टू इंडिकेट फीलिंग। ये आपको कई बार मिल जाएगा, लेटर्स में आपने देखा होगा, आपने ईमेल्स में पढ़ा होगा। अगर किसी सेंटेंस में फीलिंग इन्वॉल्व है तो वहाँ विद आता है, जैसे कि आई एम ईमेलिंग यू विद माई सिंसियर अपॉलोजी। मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ अपने सिंसियर अपॉलोजी के साथ, तो यहाँ फीलिंग इन्वॉल्व है इसीलिए हमने विद लगाया है। अगला एग्जाम्पल, ही केम टू द फ्रंट स्टेज विद कॉन्फिडेंस। भैया वो पोडियम पे आ गया था, स्टेज पे आ गया था कॉन्फिडेंस के साथ, वो आया था जब आया था कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसमें ये फीलिंग इन्वॉल्व थी इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, विद लगाया। और जो लास्ट यूज़ है वो है यूज टू इंडिकेट अग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी बात से अग्री हो और चीज़ें समझते हो तो वहाँ विद आता है, जैसे कि आर यू विद मी, क्या आप मेरे साथ हो, तो मैंने बोला येस आई एम कम्प्लीटली विद यू, या शी अग्रीज विद मी, वो मेरी बात से सहमत है, शी अग्रीज विद मी। अब यहाँ विद क्यों आया, क्योंकि आप अग्री हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए हमने यहाँ पर विद लगाया है। तो दोस्तों ये थे वो यूजेस विद के, एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखी इसमें कि विद को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर पेशेंस टाइम। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी और हो सकता है प्रेपोजिशन पे ही लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।